चाचा की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं शाही पनीर बनाने वाली हूँ और बताऊँगी कि कैसे कैसे बनता है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और पसंद आए तो लाइक कीजिए। लहसुन, अदरक और हरी मिर्च मैं 10 मिनट तक पकाऊंगी। आधा कुक हो जाएगा तो मैं फिर से ग्राइंडर में पीसूंगी। थोड़ा सा मैं कॉल कर दस मिनट के बाद इसे मैं देखूंगी कि कितना पका है। उसके बाद मैं इसको मिक्सर ग्राइंडर में पीसकर इसका पेस्ट बनाऊंगी। आधा ये पक चुका है। अब मैं इसे ठंडा कर ग्राइंड करने जा रही हूँ। दो चम्मच घी, देसी घी, दो चम्मच सरसों का तेल, अब मैं ये मिक्सर डाल दूंगी।
दो मिनट के लिए मैं इसे पकने के लिए छोड़ रही हूँ। धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, हल्दी मसाला एक चम्मच, बेगी मिर्च एक चम्मच, नमक स्वाद अनुसार। मैं जब तक चलाऊंगी जब तक ये तेल ना छोड़ने लगे। अभी इसे मैं 5 मिनट के लिए ढककर छोड़ दे रही हूँ। हो गया है, अब मैं इसे इसको लो फ्लेम पे रख के चलाइए और 2 मिनट पे चेक करते रहिए, वरना यह जल भी सकती है। अब ये देखिए तेल छोड़ चुका है, अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। मैंने इसमें 2 गिलास पानी डाला है। अब मैं इसमें पनीर ऐड करूंगी। और इसे मैं लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए पकने के लिए और छोड़ दे रही हूँ। और जब ये पक जाएगी तो मैं इसके ऊपर थोड़ा सा मलाई हो गया है, अब ये मैं मलाई उसमें डालूँगी। अब ये देखिए पूरे तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। अब मैं इसे निकालती हूँ, टेस्ट करती हूँ कैसा बना है और आपको बताती हूँ। अब मैं फ्लेम को अभी ये देखिए तैयार हो गया है। अब मैं इसे टेस्ट करके बताती हूँ कैसी बनी है।